कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी। चीन, इटली, जापान, ईरान, साउथ कोरिया से आने वाले यात्रियों पर रोक लगी। भारत के यात्रियों पर भी इन देशों में जाने पर लगी रोक। एयर इंडिया ने जून तक शंघाई और हांगकांग की उड़ाने रद्द। दिल्ली सरकार की इमरजेंसी बैठक खत्म। सिसोदिया बोले, हमारे पास उपचार के लिए 8000 से अधिक किट। यूपी पहुंचा कोरोना वायरस में रखा गया सभी मरीज। आगरा में इटली से आए शख्स के संपर्क में आए थे। कोरोना वायरस को लेकर नोएडा के स्कूलों में अलर्ट, कई स्कूलों में छुट्टी। नोएडा में अब तक 40 का टेस्ट, सभी नेगेटिव। सीएमओ डॉक्टर अनुराग भार्गव ने कहा, स्कूल किया जा रहा है सैनिटाइज। एयरपोर्ट पर भी कोरोना का दिखा असर। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई के एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग जारी। हैदराबाद में गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए 7 मरीज, कोरोना की जांच के लिए भेजे गए सैंपल। कोरोना पर संसदीय कमेटी की बैठक जल्द संभव, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली हिंसा के दौरान पिस्टल चलाने वाला शाहरुख गिरफ्तार, यूपी के शामली से हुई गिरफ्तारी। पुलिस पूछताछ में बोला, शाहरुख गुस्सा आया इसलिए फायरिंग की। जाफराबाद में शाहरुख ने किए थे 8 राउंड फायर, पुलिस कांस्टेबल पर तानी थी गोली। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की बाई प्लास्टिक कैटेगरी की सुरक्षा को लेकर खड़े हुए सवाल, पुलिस की सफाई, कहा 2017 से मिल रही है सुरक्षा। आम आदमी पार्टी ने कपिल को सुरक्षा दिए जाने पर साधा निशाना, कहा भड़काऊ भाषण देने वालों को दी जा रही है सुरक्षा। लोकसभा में आज फिर दिल्ली हिंसा पर हंगामा, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने दिल्ली हिंसा को बताया खून की होली। स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को दी हंगामा करने पर निलंबित करने की चेतावनी, प्लेकार्ड दिखाने पर रोक लगी। मुस्तफाबाद के ईदगाह रिलीफ कैंप में करीब 250 परिवार, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। दिल्ली में हिंसा पर ईरान के बयान को लेकर विदेश मंत्रालय सख्त, ईरान के राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज। हिंसा में घायलों को दिल्ली सरकार के मुआवजे का मामला पहुंचा दिल्ली हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता ने मुआवजे के मापदंड को लेकर खड़े किए सवाल। दिल्ली हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, संसद में मिलने पहुंचे अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के मुताबिक पीएम मोदी से दिल्ली हिंसा और विकास पर हुई बात, कोरोना वायरस पर चर्चा। बीजेपी संसदीय दल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर किया वार, कहा पूर्व प्रधानमंत्री को भारत माता की जय कहने में परेशानी। सोशल मीडिया से हटने के सस्पेंस पर पीएम मोदी ने हटाया पर्दा, 8 मार्च को महिला दिवस पर एक दिन के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट महिलाओं को समर्पित। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का तंज, सोशल मीडिया नहीं कोरोना वायरस पर ध्यान दें पीएम। पुलवामा हमले को लेकर एनआईए के पिता बेटी को किया गिरफ्तार, 10 दिन की हिरासत में भेजा गया। 1984 सिख दंगों के आरोपी सचिन कुमार ने जमानत पर जल्द सुनवाई की दाखिल की याचिका, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। दिल्ली में सीए के खिलाफ जेएनयू के छात्रों ने निकाला शांति मार्च, रामलीला मैदान में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। बेंगलुरु में बाईपास पर सीए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों को पुलिस ने समझाया, प्रदर्शनकारियों ने छोड़ा रास्ता। एनपीआर के खिलाफ आंध्र प्रदेश की विधानसभा में आएगा प्रस्ताव, सीएम जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया। नोएडा में बच्चे को गोद में लेकर ड्यूटी करती महिला पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, पुलिस ने दिए जांच के आदेश। अमेठी में तेज रफ्तार से आ रहे 2 ट्रक की जोरदार टक्कर, 2 की मौत। लखीमपुर खीरी में साथी छात्र की शिकायत करना पड़ा महंगा, टीचर ने पिटाई की। मेरठ में 8 लोगों की संदिग्ध हालत में मौत, स्वाइन फ्लू से मौत की आशंका। 2 जन प्रमाण पत्र केस में आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत याचिका खारिज, 7 मार्च तक सीतापुर जेल में रहेंगे। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास का अयोध्या आने पर जोरदार स्वागत, बोले पद से फर्क नहीं पड़ता, मुझे भगवान से है प्यार। मथुरा में होली के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, राधा रानी मंदिर के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कानपुर में होली के त्योहार से पहले हिंदू मुस्लिम सौहार्द बनाए रखने के लिए आगे आई पुलिस, बांटे पर्चे। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र में हंगामा, पदोन्नत में आरक्षण को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। देहरादून में मारपीट के बाद गर्भवती पत्नी को पति ने दिया 3 तलाक, शौहर समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। विधायकों की खरीद फरोख्त पर बोले सीएम कमलनाथ, फोकट में पैसा मिल रहा है तो ले लेना। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया है कांग्रेस विधायकों को पैसे का लालच देने का आरोप, बोले 20 से 25 करोड़ का है ऑफर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बयान, बोले कांग्रेस में कोई नहीं बिकने वाला। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली का सरेंडर, 8 लाख का था इनाम। धार में परीक्षा के दौरान चेकिंग में सिख छात्र की पगड़ी उतरवाई। राबड़ी देवी ने लगाया पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप, पूछा क्या हुआ नौकरी के वादे का।
पटना में फल और जूस खरीदते नजर आए तेज प्रताप और तेजस्वी यादव, वीडियो वायरल। बिहार के सुपौल में कार और बस के बीच भीषण टक्कर, 3 की मौत। गोपालगंज